बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं जिनके अंदर मैंने आपको डिफरेंट पेमेंट गेटवे से विड्रॉ लेना और उनके अंदर डिपॉजिट आपने किस तरह करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन उन वीडियोस के नीचे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एडवांस कैश के बारे में भी बताएं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप किस तरह एडवांस कैश से अपने इजी पैसा और जैज कैश के अंदर विड्रॉ ले सकते हैं। आपको मैं लाइव विड्रॉल करके भी दिखाऊंगा। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वॉचिंग दी कंप्लीट दिस ट्यूटोरियल, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सेम इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट। So, let's get started. So guys, स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सिंपल से दो तीन स्टेप हैं, आपने इनको फॉलो करना है। विद इन 5 मिनट आप अपना विड्रॉल एडवांस कैश से अपने इजी पैसा और जैज कैश के अंदर ले सकते हैं। कोई भी पार्ट आपने वीडियो का मिस नहीं करना। बाद में आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर हमें ये इशू आ रहा है, हमारी ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दी गई है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक वॉच करना है क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन करनी है या पेमेंट को सेंड करना है, रिसीव करना है। तो मैं नहीं चाहता कोई आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से आपका कोई लॉस हो, ठीक है? तो वीडियो को बेहतर है कि आप कंप्लीट वॉच कर लें। उसके बाद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप फील फ्री कमेंट सेक्शन के अंदर आके पूछ सकते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं, मैं चल आपको जरूर गाइड कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपके सामने है एडवांस कैश का अकाउंट। आपने क्या करना है कि इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास सेंड फंड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? सेंड फंड्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इससे आप दो मेथड से आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। एक तो ये आपके सामने आपका वॉलेट एड्रेस है और दूसरा आप जीमेल आईडी से, ठीक है? तो ईमेल भी आपको इधर देखने को मिल रहा है, आप इससे भी अपना जो विड्रॉल है वो ले सकते हैं। किस तरह लेना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम में गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इधर आपके पास जितनी भी आपकी अमाउंट पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1.11 सेंट पड़े हुए हैं, तो मैं इधर से 1 पॉइंट में कर लेता हूँ 5, ठीक है? 10 कर लेता हूँ। और उसके बाद इधर आपने स्पेसिफाई, इधर आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, वॉलेट एड्रेस दे सकते हैं। वॉलेट एड्रेस आपने किसका देना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद जिस अकाउंट के ऊपर आपका जीमेल आईडी के ऊपर आपका एडवांस कैश का अकाउंट बना है वो इधर आप आईडी दे सकते हैं या आप वॉलेट एड्रेस दे सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि एक एक्सचेंज को आपने ओपन कर लेना है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, dailyexchanger.com। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई हैं। ये एक 100% रियल एक्सचेंज है, ठीक है? और लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपने इसके ऊपर फर्स्ट टाइम आपने इसको ज्वाइन करना है तो आप इसको इस पर्सनल के ऊपर क्लिक करके अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और कंफर्म पासवर्ड आप देंगे। देन आपने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, इधर से। और उसके बाद आपने सिटी इधर सेलेक्ट करनी है और उसके बाद पोस्टल कोड आपने देना है। नीचे आपने अपना एड्रेस मैंशन करना है और आई एग्री के ऊपर आपने चेक करना है, रजिस्टर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ईजिली विद इन 1 मिनट आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? मेरा इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको लॉग इन करूंगा। आपने सेम इन स्टेप को फॉलो करना है और उसके बाद ये मेरा लॉग इन हो चुका है, ठीक है? अभी आपने क्या करना है कि ये आपके सामने है डिपॉजिट, डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। गौर से देख लीजिएगा, डैशबोर्ड के ऊपर आपको ऊपर डैशबोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे आपको डिपॉजिट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे डिपॉजिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे इधर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले आपको PKR लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। USD के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नीचे आपने पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है। हमारे पास एडवांस कैश है तो हम एडवांस कैश को ही सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और पेमेंट गेटवे से विड्रॉ लेना चाह रहे हैं, जैसा कि परफेक्ट मनी है, पैर है, USD TRC20 है, TRX Tron है, डोजी कॉन है, बैंक ट्रांसफर, यानी कि काफी सारे आपको इधर पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं जिनसे आप विड्रॉ ले सकते हैं, उनके अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। एडवांस कैश के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और इधर आपने अमाउंट टाइप करनी है। एक चीज आपने नोट करनी है कि जो अमाउंट आपने उधर टाइप की है, फॉर एग्जांपल मैंने उधर $1.10 जो है वो टाइप किया था, यानी कि ऐड किया था, इधर भी मैं सेम ही अमाउंट टाइप करूंगा, ठीक है जी? और उसके बाद डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे इधर आपको एक एडवांस कैश का अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं जी, आपको एक वॉलेट एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। आप इसको मैनुअली लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस तरह आप चाहें मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अगेन आ जाना है अपने अकाउंट के अंदर, इधर आपने वॉलेट एड्रेस जो है वो दे देना है। अगर आपके पास वॉलेट एड्रेस नहीं है तो आप अपना किसी जीमेल आईडी के ऊपर भी इसको जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। उस जीमेल आईडी के ऊपर आपका एडवांस कैश का एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद ये नोट ऑप्शनल है और उसके बाद ये आपने कर लेना है सेव, इसकी जो डिटेल है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है।
उसके बाद कह रहा है कि आपको हमने एक ईमेल सेंड कर दी है, उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल हमने प्रोवाइड कर दी है। तो ये मेरे पास ईमेल आईडी ईमेल है, ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है। ईमेल के अंदर आपको आपकी अमाउंट शो करवाई जाती है, सिस्टम पेमेंट सिस्टम, और उसके बाद रिसीवर आपको शो करवाया जाता है कि ये रिसीवर है, आप इसको कन्फर्म कर दें। आपने इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है और एडवांस कैश के अकाउंट के अंदर जाके आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। आपने कंटिन्यू के ऊपर भी क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, तो ये आपकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, चेक कर सकते हैं द फंड हैव बीन सक्सेसफुली सेंड। ये जो आपको ट्रांजैक्शन आईडी प्रोवाइड की गई है इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, गौर से आपने देख लेना है, ये जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको दी गई है इसको आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने आ जाना है अगेन इस एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, इधर आके आपने वो जो ट्रांजैक्शन आईडी उधर से कॉपी की थी उसको आपने इधर आके पेस्ट कर देना। ठीक है, आई थिंक वो कॉपी नहीं हुई, मैं अगेन कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं, अगेन आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इधर आके आपने वो पेस्ट कर देनी है और उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी जो योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली इसके अंदर डिपॉजिट हो चुकी है, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में जा चुकी है। डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जैसे ही अप्रूव होती है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। सो गाइस, आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुकी है विद इन 5 मिनट, और उसके बाद बैलेंस आपका इधर आपको शो हो रहा है। देन आपने क्या करना है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आपने इसको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है विड्रा के नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपके पास फ्रॉम इधर यूएसडी आपने कर लेना है और अमाउंट इधर आपने पीकेआर कर लेना है। ठीक है, फ्रॉम आपका यूएसडी है टू हमारा पीकेआर है, यानी कि हमने यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट कर लेना है। इधर आपने अमाउंट टाइप कर लेनी है, जितनी अमाउंट आपको ऊपर शो हो रही है उतनी अमाउंट आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है, 1.1। ठीक है, और उसके बाद आपने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट होके आपको पीकेआर में शो हो जाएगी। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, इधर आपकी जो अमाउंट है वो 297 हमें पीकेआर में शो हो रही है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे इधर आपको टू विड्रॉल इधर वॉलेट नजर आ रहा है। ठीक है, पीकेआर हमें शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपने पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है कि जिसके अंदर आप विड्रॉ लेना चाह रहे हैं। इधर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, पायर है, एडवांस कैश है, परफेक्ट मनी है। तो अगर एडवांस कैश है तो हमने अभी विड्रॉ लिया है, तो आप इनमें से किसी भी वॉलेट के अंदर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इजी पैसा में ले सकते हैं, जैज कैश में ले सकते हैं, बैंक में ले सकते हैं, जिसमें भी आप लेना चाहते हैं आप इजीली इसको रिसीव कर सकते हैं। इजी पैसा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर आपने अमाउंट टाइप करनी है, तो इधर आप हमारी जो अमाउंट है 297, और उसके बाद आपने अकाउंट नंबर इधर दे देना है, और मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, रीजन ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड की हुई है, आप किसी की भी इन्फॉर्मेशन ड्यूटी के ऊपर जो है वो किसी को शो नहीं करवा सकते, इसलिए इधर आपने अमाउंट टाइप करनी है और इधर आपने अपना जो है वो अकाउंट नंबर देना है, देन आपने अकाउंट होल्डर नेम देना है, विड्रॉ के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं जल्दी से ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ, उसके बाद विड्रॉ के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। एक दफा आपने अगेन इसको रीचेक कर लेना है कि आपने अमाउंट टाइप सही किया, अकाउंट नंबर आपने सही दिया है, उसके बाद आपने विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे, योर विड्रॉल रिक्वेस्ट वाज क्रिएटेड, और डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, इधर हमारा जो बैलेंस है वो जीरो शो हो रहा है, और इधर हमारी 297 की जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में जा रही है। विद इन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 100% आपका जो बैलेंस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको आपका बैलेंस नहीं मिलता, आपने इसके अंदर डिपॉजिट किया है या आपने इसके अंदर से विड्रॉ लेना है, जो भी आप करते हैं, आप अपनी स्क्रीनशॉट, अपना ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह इसको नोट कर लीजिए, और इसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप इनसे शेयर कर सकते हैं या आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही अप्रूव होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें बैलेंस जो है वो रिसीव हो चुका है। गाइस, आप चेक कर सकते हैं कि विद इन 2 मिनट हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको कंप्लीट लिखा हुआ नजर आ रहा है, और मेरा बैलेंस भी मुझे मिल चुका है मेरे इजी पैसा अकाउंट के अंदर। अभी मुझे नोटिफिकेशन भी रिसीव हो चुका है, मैसेज भी मुझे रिसीव हो चुका है कि आपकी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दी गई है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी करवा देता हूँ। तो सेम आपने इन स्टेप को फॉलो करना है, विद इन 5 मिनट आप अपना विड्रॉ किसी भी पेमेंट गेटवे से अपने इजी पैसा जैस कैश बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। 100% ये रियल प्लेटफॉर्म है। तो होप सो आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेक श्योर कीजिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।